आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ गौस मुहियुद्दीन। ख़बरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस की वबा के सबब सादगी से मनाया गया आज यौम महाराष्ट्र। गार्जियन मिनिस्टर के हाथों खुसूसी परचम कुशाई। कोरोना को मात देने अवाम का साथ जरूरी, कहा वजीर सनत सुभाष देसाई ने। आज शाम तक जारी नहीं की घाटी इंतजामिया ने लैब रिपोर्ट। शहर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, मगर घाटी इंतजामिया और म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट में तालमेल का फुकदान। क्वारंटीन सेंटर में भी मरीजों के साथ सौतेला सुलूक बरतने की शिकायत। जमात इस्लामी के इश्तराक से म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू किया रोशन गेट इलाके में फीवर क्लिनिक। अतराफ की बस्तियों के साकिनान से इस्तेफादा करने की अपील। और हरसूल तालाब में तैराकी के लिए उतरना पड़ा महंगा। पानी की गहराई का अंदाजा न होने के सबब दो बच्चे डूबकर हलाक, महलूक के रिश्तेदारों को सदमा। और अब खबरें तफसील से। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा जांच औरंगाबाद शहर में की गई, जिसके लिए घाटी अस्पताल का स्टाफ काबिले सताइश है, जिन्होंने 6000 से जायद अफराद के नमूनों की जांच की, जिसकी वजह से हमारे शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। लिहाजा शहरियान को मजीद मोहतात होने की ज़रूरत है। ये मशवरा औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने दिया। आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में शहर औरंगाबाद की खसूसी परचम कुशाई की रस्म के बाद उन्होंने आवाम से खिताब किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को देखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र ने यौम महाराष्ट्र की तकरीब सादगी के साथ मनाने की हिदायत दी थी, जिसके तहत आज जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्कदा तकरीब में औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों परचम कुशाई की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने DPDC की मीटिंग ली और DPDC के सालाना बजट का 25% कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देने का फैसला किया, जिसके तहत औरंगाबाद जिले में इस मर्ज की रोकथाम के लिए DPDC से 81 करोड़ का फंड आज दिया गया। इस मौके पर गार्जियन मिनिस्टर ने कहा कि फंड्स की कमी के सबब खानगी डॉक्टर्स के तखरूरात खटाई में पड़ गए थे, लेकिन अब फंड मिल जाने से डॉक्टर्स के तखरूरात की राह हमवार हो गई है। आज शाम तक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से कोरोना से मुतासर नए मरीजों से मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि आज एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मुतालिक जो रिपोर्ट भिजवाई गई थी उसमें भी तजाद था। वो ब्रेकअप तो 177 मरीजों का दे रहे थे और मुतासरा मरीजों की तादाद 184 बता रहे थे। हम इससे पहले ही वाजह कर चुके हैं कि घाटी इंतजामिया इस मामले में संजीदा नहीं है और म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसरान व मुलाजिमीन तावुन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों महकमों के अफसरान में अना की जंग जारी है, जिसका शिकार शहरियान हो रहे हैं। घाटी इंतजामिया की जानिब से दी जा रही जांच रिपोर्ट से मुतालिक भी शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। उन लोगों का कहना है कि रिपोर्ट इजराई में कहीं गड़बड़ जरूर है, जिसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी अहम बात, आज दिन तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने जांच रिपोर्ट जारी नहीं की और 2 मई को वो 1 मई और 2 मई की रिपोर्ट एक साथ मंजर आम पर लाएंगे, जिससे मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा दिखेगी और शहरियान पर खौफ तारी होगा, क्योंकि पहले ही शहरियान घाटी इंतजामिया की कारकर्दगी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि शहर में समाज कल्याण डिपार्टमेंट के बॉयज हॉस्टल में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहां के डॉक्टर्स मरीजों के साथ सौतेला सुलूक करने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता रात जिन अफराद को यहां लाया गया उनमें से कई शुगर और BP के मरीज हैं, मगर ना तो उन्हें दवा दी गई और ना ही दोपहर तक उन्हें खाना दिया गया। उन लोगों का कहना है कि यहां मुकर्रर करदा डॉक्टर्स का रवैया मरीजों के साथ ठीक नहीं है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। टोटल 14 लोग उनके फैमिली में हैं। टोटल 14 लोग है क्या? 14 लोग हैं। टोटल ये एरिया की है क्या? बाजीपुरे की और यहाँ के दूर के है, उसमें 7 और बाकी के हैं। बाकी के पॉजिटिव पेशेंट उनके
आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? पब्लिक से आह्वान करना चाहेंगे कि यहाँ ये जितना भी लॉक किए दिल्ली, मेहरबानी करके यहाँ कोई भी घर से बाहर ना निकले। इनको जो भी चीज़ की जो भी जरूरत रहेंगी इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। तो भाई बारी कॉलोनी में जो लोग बाहर घूम रहे हैं, गलियों में बैठ रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैसेज ये देना चाहूँगा कि उन्होंने गली में ना निकले और एक जगह ना रहे, डिस्टेंस रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। ये बहुत तेज़ी से औरंगाबाद शहर में फैल रहा है कोरोना वायरस, इसको अपने को मात देना है तो अपने अपने घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी रात में 12 बजे से टोटल लॉकडाउन होने वाला है कर्फ्यू का, तो इस ताल्लुक से रात में जो लोग घर करके बाहर बैठ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए तो ये मैसेज है कि मेहरबानी करके ये लोग ना बैठे, क्योंकि ये जो वायरस है ये वायरस फैलता है, ये बहुत बुरी तरह अभी औरंगाबाद शहर में फैल रहा है। मेरी तो उनके माँ बाप से भी गुजारिश है, वालदा वालिद से भी गुजारिश है बच्चों के, कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और अपने घरों में रखें, मेहरबानी होगी, क्योंकि ये बहुत औरंगाबाद शहर में तो बहुत तेज़ी से अभी फैल रहा है। ओके, शुक्रिया। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त के ताबुन से AMC इंतज़ामिया ने रोशन गेट इलाके में वाक़ म्यूनसिपल लाइब्रेरी में फीवर क्लिनिक शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। वाज़े रहे कि हाल ही में जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त की जानिब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया को कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू की गई जंग में नुमाया किरदार अदा करने वाले डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ के लिए सेफ्टी किट्स मुहैया किए थे। उस वक्त म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से दरख्वास्त की थी कि रोशन गेट, किराड़पुरा और अतराफ की मुस्लिम बस्तियां जो कोरोना वायरस के लिए हॉटस्पॉट बनती जा रही है, वहां के साकिनान की सहूलत के लिए फीवर क्लिनिक शुरू करने में म्यूनसिपल इंतजामिया की मदद करें। जिसके बाद आज रोशन गेट इलाके में मौजूद म्यूनसिपल लाइब्रेरी की इमारत में फीवर क्लिनिक शुरू किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नीता पाडलकर, जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वस्त के सदर शादाब मूसा, डॉक्टर पाटिल, साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान, आदिल मदनी, मुजाहिद हकीम, डॉक्टर शोएब, डॉक्टर सादिक, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर अब्दुल वाहिद और दीगर मौजूद थे। इस दवाखाने में शहर के खानगी हस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स सुबह 10-1 और दोपहर 2-4 इन औकात में ड्यूटी अंजाम देंगे। यहाँ न सिर्फ COVID-19 के मुश्तबा मरीजों का इलाज किया जाएगा बल्कि उनके थ्रोट स्वैब के नमूने भी लिए जाएंगे। जमात इस्लाम हिंद की तरफ से हमने फीवर क्लिनिक, कोरोना के लिए फीवर क्लिनिक का आज हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, जो अभी आप सब शहर में देख रहे हैं जिस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं इस लंबे से और ये एरिया से, इसको देख के जहाँ जो एरिया में से पेशेंट है, जहाँ पेशेंट है वहीं से उनका इलाज होना, वहीं से उनका स्वैब भी कलेक्शन होगा। इसलिए हमने ये सब सोच के इसके पीछे अपने मोहसिन अहमद साहब भी है जो उन्होंने बहुत पीछे अपने लगे, और जमात इस्लाम हिंद के जो सब डॉक्टर्स हैं उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सब आके आगे आके मैडम हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ चालू करेंगे और ये सर्विस हम देंगे सबको, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने सब लोगों के लिए कि जो ये अच्छे अभी यहाँ के जो सब प्रसिद्ध और सब वेल नोन डॉक्टर्स हैं जो अपने यहाँ आके सर्विस दे रहे हैं। मैं सब आप सब नागरिकों को ये आह्वान करती हूँ कि आप सब यहाँ आइए, जिसको सर्दी खांसी सांस लेने की कुछ तकलीफ रही, कुछ बीमारी रही तो तुरंत आके यहाँ मायना कर लीजिए। यहाँ पे स्वैब भी कलेक्शन हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, तो मुझे ये आप सब सबसे ये करना है कि हम लोग जल्दी से यहाँ बता के जो भी बीमारी है उसका इलाज तुरंत करेंगे, तो ये बीमारी का फैलाव रोकने में हम सब कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ हम सबको ये बता रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ट्रीटमेंट ले लीजिए और जो भी आपको उसमें बीमारी की तकलीफ है उसका इलाज करवा लीजिए और सब मिलकर ये बीमारी को ख़त्म जल्दी कर देंगे, ये ऐसी में सबके लिए प्रार्थना कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये औरंगाबाद महानगर पालिका और जमात इस्लामी इनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर फीवर क्लिनिक और टेस्टिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर पाटिल मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके पूरा स्टाफ यहाँ कैसर कॉलोनी का जो हमारा हेल्थ यूनिट है, डॉक्टर पाटिल मैडम, डॉक्टर तिखे मैडम और WHO के डॉक्टर हमारे मुजीब सर, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और हमारे मोहसिन साहब जो एक्स कॉर्पोरेटर हैं यहाँ के, उनकी बहुत इसमें कोशिशें रही कि यहाँ पर एक सेंटर खुले, टेस्टिंग सेंटर खुले, फीवर क्लिनिक खुले, ताकि ये बीमारी के साथ हम लड़ सकें। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, इसमें शहर के आपके जाने माने, आपके पहचान के तमाम डॉक्टर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
आठ से दस डॉक्टर्स हैं जिनको आप तमाम जानते होंगे, डॉक्टर सादिर शेख हैं, डॉक्टर अब्दुल वहीद हैं, डॉक्टर इकबाल हैं ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जहीर अब्बास हैं ये भी पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उसके बाद डॉक्टर सोहेल मखदूमी हैं ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद हमारे डॉक्टर जुबैर हैं ये एमडी हैं, उसके बाद जो है हमारे डॉक्टर इकबाल हैं। तो ये तमाम लोग जो है रोटेशन वाइज मॉर्निंग 10 to 12 और इवनिंग 2 to 4 यहाँ रहेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि पूरा प्रशासन को हम कोऑपरेट करें ताकि हम ये कोरोना से लड़ाई जीत सकें। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहों का दौर रहता है, जब चीज़ें पेशेंट्स पॉजिटिव आने लगते हैं तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चलने लगते हैं, यूट्यूब पे अलग अलग लोग अपने बयान देते हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों पर आप विश्वास नहीं रखें। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी से पूछिए, रिनाउंड डॉक्टर से जो है मशवरा लीजिए। यहाँ फीवर क्लिनिक खुल रहा है, अगर आपके घर में किसी को बुखार है खांसी आप यहाँ आइए, जांच करवाइए। जांच करवाने से आज हमारे पास प्रशासन को साथ देने से ये बीमारी को लड़ाने का मौका है, इससे लड़ने का मौका है। ये जो सेंटर खुला है यहाँ पर, ये जो है जियाउद्दीन लेआउट है, बशीर कॉलोनी, रोशन गेट, खैसर कॉलोनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दवाखाना है, उसी की बगल में है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दवाखाने में। अभी ओपन स्पेस के ऊपर ये हाल है, जहाँ पर रीडिंग रूम था उसमें ये जहाँ पर इंतजाम किया गया है। और तमाम जो है इस एरिए के, रोशन गेट के और अतराफ के एरिए के जो है वो इसका फायदा उठाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और जो है महानगर पालिका को और सरकार को साथ दें। जमात इस्लामी और महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, वो काबिल मुबारकबाद है। हम लेआउट मालक जो है, मैं खुद मोहसिन अहमद जो है इस लेआउट मालक का एक हिस्सा हूँ और एक्स जो हूँ मैं यहाँ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हूँ। मैं मेरी तरफ से पूरा तावन दूंगा और कॉर्पोरेशन का और जो है हम जमात इस्लामी और बाकी की जिम्मेदार का अदा करते हैं। हरसूल तालाब में गर्क हो जाने के सबब 2 बच्चों की मौत वाक़ हो गई। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जहांगीर कॉलोनी हरसूल का साकिन 13 साला अरबाज अजीज शाह और उसका 14 साला दोस्त रैयान सैयद अनवर तैराकी का शौक पूरा करने और गर्मी से नजात हासिल करने के लिए हरसूल तालाब गए और उन लोगों ने तालाब में छलांग लगाई, मगर दोनों ही को वहां तालाब की गहराई का अंदाजा न हो सका और दोनों ही तालाब में गर्क हो गए। जब उनके तालाब में डूब जाने की खबर आम हुई तो जहांगीर कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में मातम छा गया। हरसूल पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस दिलखराश हादसे की खबर दी गई। चीफ फायर ऑफिसर आर के सुरे की रहनुमाई में ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे, फायर फाइटर दिनेश मुंगसे, प्रसाद शिंदे, राम सोनोने, छगन सलामाबाद, अशोक पोटे, अप्पा साहेब गायकवाड़, तुषार तूर, मयूर कुमावत, रवि दूधे और सुभाष दूधे हरसूल तालाब पहुंचे और फायर अमले के गोताखोरों ने तालाब में उतर कर इन दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला, मगर तब तक दोनों ही ने दम तोड़ दिया था। लिहाजा पुलिस ने पंचनामा करने के बाद दोनों ही महलूकीन की बॉडीज अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवाई। लेबर डे के मौके पर आज रहमानिया कॉलोनी की साबिक कारपोरेटर फिरदौस फातिमा और मोहल्ले के साकिनान ने सफाई मुलाजिमीन को फूल देकर उनका इस्तकबाल किया और उन पर फूल बरसाए। वाज़ेह रहे कि हर साल 1 मई का दिन लेबर डे की हैसियत से मनाया जाता है, मगर इस साल पूरी दुनिया कोविड-19 के एताब से मुतासिर है और पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। आज यौम महाराष्ट्र की तकारीब भी नहायत सादगी के साथ मनाई गई, लिहाजा लेबर डे भी सादगी से मनाते हुए रहमानिया कॉलोनी की साबिक कारपोरेटर फिरदौस फातिमा, सोशल वर्कर रमजानी खान और इलाके के साकिनान ने म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन पर फूल बरसाकर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी गिराकदर खिदमात को सराहा। कोरोना वायरस के लिए हमारा शहर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लिहाजा इस मर्ज पर काबू पाने और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में हमने मुलाकात की डॉक्टर मोहम्मद सोहेल और डॉक्टर उज़्मा साद से। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं डॉक्टर मोहम्मद सोहेल औरंगाबाद से, डायबिटोलॉजिस्ट शिफा हॉस्पिटल शाहबाजार, एसोसिएट प्रोफेसर IMSR मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 5-स्टेप प्लान बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन। अब जो लॉकडाउन के दिन बचे हुए हैं इसमें आपको 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया गया है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो आप इसमें एक बात ध्यान में रखें कि 7 बजे से 11 बजे ये जो वक्त है इसमें कोई कोरोना वायरस छुट्टी पे नहीं गया है,
ये कोरोना वायरस वहां पे मौजूद है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए शॉपिंग करना है। पॉइंट नंबर टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक्चुअली एक हदीस है कि आपके और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकी आधा ईमान है। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है, बाकी आधा ईमान है यानी हमको हमारे हाथ भी साफ रखना है और अपने सराउंडिंग को भी साफ रखना है। हैंड हाइजीन के वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूं, अब आपको इसमें क्या करना है कि अपने सराउंडिंग को भी साफ रखना है, बिल्कुल साफ रखना है। यानी आप अपने डोर हैंडल्स को साफ कीजिए, दरवाजों को साफ कीजिए, अपने कार की हैंडल्स को साफ कीजिए या फिर बाइक के जो हैंडल्स है इसको साफ कीजिए। यानी जो कॉमनली लोगों के हाथ जो चीजों के ऊपर लगते हैं तो उसको आपको क्लीन करना है। सो वहां से भी वायरस अगर लगा है तो वो वहां से धुल जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर टू या स्टेप नंबर टू, बाकी आधा ईमान। नाउ स्टेप नंबर थ्री मैं आपको बताता हूं। ये एक कहावत है, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम, सुना है आप लोगों ने जी। यानी मैं आपको एक चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा नेकी का काम ना करें जिसकी वजह से आपको गुनाह लाजिम हो जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सभी रिलीजियस गैदरिंग अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद है और माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पालन कर रहे हैं। एक ऑर्डर के ऊपर पूरी मस्जिदें बंद हैं। मैंने अपने जिंदगी में कभी भी यानी रमजान में नमाजें अपने घर में अदा नहीं की, मगर क्योंकि ये एक महामारी है और ये एक पैंडेमिक से देश गुजर रहा है तो हम उसका एक सरकार के ऑर्डर का पालन करते हुए नमाजें घर के अंदर पढ़ रहे हैं। मगर मैं ये उन लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसे कर रहा है कि घर के ऊपर कोई रिलीजियस गैदरिंग कर रहा है या फिर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कर रहे हैं, अगर कोई कर भी रहे हैं तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। आप क्या करेंगे, आप इसको एक नेकी समझ के करेंगे। उसमें क्या होगा, महल्ले के कुछ लोग अगर वहां पे जमा होते हैं तो वहां से ये वायरस का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो सकता है। एक अगर आदमी संक्रमित है तो वो पूरी सफ को संक्रमित या इन्फेक्ट कर सकता है और फिर वो इन्फेक्शन अपने घर पर लेके जाएगा, उनके वालिदैन की उसकी वजह से तबीयत खराब हो सकती है और किसी का इंतकाल भी हो सकता है। तो आपका ये एक एक्ट या एक अमल जो आप नेकी कर रहे, नेकी समझ के कर रहे थे, वो गुनाह का बायस भी बन सकता है। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर थ्री। अभी मैं पॉइंट नंबर फोर आपको बताता हूं। ये भी एक कहावत है, बा अदब बा नसीब और बे अदब बद नसीब। ये खासतौर से है हमारे ये जो गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए जो लड़के हैं, ये देश का मुस्तकबिल है, ये कौम का एक मुस्तकबिल है। उनके लिए एक पैगाम है कि बा अदब बा नसीब बे अदब बद नसीब। आप एक काम कीजिए कि आपके पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स आ रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए, ये आपके अच्छाई के लिए आ रहे हैं। ये डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, हम लोग जो आ रहे हैं, हमें भी हमारे पास यानी घर में बच्चे हैं, वालिदैन हैं, हम अपनी जान पर खेलकर ये फर्ज निभाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो प्लीज उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनको सताइए मत और वो जो काम कर रहे हैं उनको काम अपना आसानी से करने की। और दूसरा ये करिए, नुक्कड़ पर बिल्कुल मत खड़े रहिए, ये इसमें ना कोई दीन का फायदा है ना दुनिया का फायदा, आप बस वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। और नुक्कड़ के ये लड़के अपने वालिदैन के रखवाले भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, यानी आप अगर नुक्कड़ पे नहीं खड़े रहते तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे कोरोना वायरस से, आप इन्फेक्ट नहीं होंगे तो आपके वालिदैन इन्फेक्ट नहीं होंगे कोरोना वायरस से। तो इसी तरह आप अपने वालिदैन की जान को बचा सकते हैं। ये था पॉइंट नंबर फोर। अब मैं पॉइंट नंबर फाइव आपको ये बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कह रही है कि उनका जो हेल्थ केयर वर्कर्स का एक स्लोगन बनाया गया है कि स्टॉप स्टिग्मेटाइजिंग स्टार्ट एम्पथाइजिंग। यानी इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को पेशेंट ही समझे, उसको कोई अपराधी या गुनहगार ना समझे। यानी हम लोग आमतौर से क्या हो रहा है, अरे फलां को कोरोना वायरस हो गया, फलां को, उसको हम ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ी क़यामत आ गई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब एक दूसरा जो पेशेंट है उसमें जो कोरोना वायरस के लक्षण है तो वो पेशेंट सामने नहीं आता और वो पेशेंट क्या कर रहा है, अपने बीमारी को छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये बीमारी को एक स्टिग्मा बनाया, एक ऐप बना दिया आपने बीमारी। ठीक है, किसी को घर में यानी प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोरोना वायरस होता है तो वो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है
उसको कोरोना वायरस हो रहा है और वो बीमारी को छुपा रहा है, हेल्थ केयर वर्कर को नहीं बता रहा है, तो ये जरूर एक गुनाह है और ये एक क्राइम भी है। तो आई होप आप लोग सब ये मेरी बताई हुई 5 बातों का ख्याल रखेंगे और ये 5 स्टेप्स के ऊपर अमल करेंगे। तो आपसे ये उम्मीद है, मैं अपील करता हूँ कि आप ये बात खुद भी अमल करें और दूसरों तक भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर उज्मा साद नक्शबंदी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम सब आज COVID-19 इस बीमारी से बेहद परेशान हैं। COVID-19 ने अचानक हमारी रूटीन जिंदगी में आकर हलचल मचा दी। हमारी परेशानी की वजह COVID-19 से होने वाली पाबंदियां ना होकर हमारी परेशानी की वजह COVID-19 ना फैले, ये होनी चाहिए। COVID-19 जरूरी नहीं कि किसी बीमार से ही हमको लग सकते हैं। COVID-19 एक तंदुरुस्त इंसान जो अपने अंदर वो वायरस को लेके घूम रहा है और कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, उससे भी हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, पुलिस ने हमें सिर्फ चंद घंटे दिए हैं अपने ज़रूरत की चीज़ें लाने के लिए। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हमको जो एहतियात बरतने को कह रहे हैं उसे हमको फॉलो करना है, उस पर हमको अमल करना है। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, बिना ज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए। अगर आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाना ही है तो घर से निकलते वक्त एक मास्क पहनिए, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा क्राउड मत करिए, एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है वो आप सब फॉलो करिए। अपने हाथ मुंह और नाक को मत लगाइए। घर वापस जाते ही सबसे पहले साबुन से अपने हाथ धो लीजिए। अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी की ट्रैवल की हिस्ट्री है या किसी बीमार से कांटेक्ट की हिस्ट्री है तो उसे मत छुपाइए। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, अगर आपके पास कोई डेटा कलेक्ट करने आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको आप डेटा बराबर बोलिए और उनसे अच्छे से पेश आइए। हमको एक बेहतरीन और ज़िम्मेदार इंसान की मिसाल बनकर इस बीमारी से मिलकर लड़ना है। इसीलिए आप अपने लॉकडाउन को सपोर्ट करिए, अपने घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ मुबारकबाद न दें बल्कि उनका 50 लाख रुपयों का बीमा करवाया जाए। ये मुतालबा ट्रेड यूनियन के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल हुकूमत से कर रहे हैं। आज जागतिक कामगार दिन, त्याचबरोबर महाराष्ट्र दिन। जागतिक कामगार दिनानिमित्त मी जग देशामधील आणि जगामधील 99% लोकसंख्या असलेल्या कामगार शक्तीला शुभेच्छा देतो। शुभेच्छा काही फार औपचारिक शुभेच्छा नाहीत। कामगारांना कधीही मेहरबानी म्हणून, उपकार म्हणून कधीही कोणी दिलेलं नाही, दया म्हणून दिलेलं नाही। मग ते 1886 जो 8 तासाच्या कामाचा दिवस असू द्या, कामगार कायदे असू द्या, किंवा जे काही कामगाराला मिळालेलं आहे आज ते सगळं त्यांना लढून मिळवलेलं आहे। आणि त्यामुळं या कामगार शक्तीला आजच्या या कामगार दिनाच्या निमित्तानं मी असं आवाहन करतो आहे की आपण जे लढून मिळवलेलं होतं ते आपण आता गमावू लागलेलो आहोत। 8 तासाचा कामाचा दिवस आपण लढून मिळवला, आता तो 10 तासाचा 12 तासाचा दिवस होऊ लागलेला आहे। कायम नोकरी ही आपण लढून मिळवलेली होती, आता 1990 नंतर कंत्राटी पद्धत सुरू झालेली आहे आणि हायर आणि फायर सिस्टम आलेली आहे। सध्या कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात असताना हीच कामगार शक्ती ही प्रत्येक सरकारला उपयोगी पडते। एक गोष्ट कामगारांनी आणि सरकारने देखील आणि सर्वांनी लक्षात घेण्यासारखी आहे, ज्या ज्या वेळेस जगावर संकट येतं त्यावेळेस हाच कामगार आपला जीव धोक्यात घालून त्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी 2 हात करतो, पुढे येतो। परंतु ज्यावेळेस याच कामगाराच्या हक्काची आणि या कामगाराला काही देण्याची गोष्ट येते, त्याचा हक्क देण्याची गोष्ट येते, त्यावेळेस कंत्राटी पद्धतीला पुढं करून हा आमचा कामगार नाही अशा पद्धतीनं त्याला डावलण्याचा प्रयत्न केला जातो। आजचा कामगार हा जातीच्या नावानं, धर्माच्या नावानं वाटला गेलेला आहे। आणि त्यामुळे या कामगार शक्तीला असं माझं आवाहन आहे की अण्णाभाऊ साठे यांच्या भाषेत जर बोलायचं झालं तर पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर नसून ही श्रमिकांच्या तळ हातावर आहे, हे असे कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे म्हणून गेले। आणि त्यामुळे कामगार शक्तीनं ओळखावं, जगामध्ये आपण 99% आहात। आज कोरोनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी
मग तो आरोग्य कर्मचारी असू द्या, आशा असू द्या, अंगणवाडी असू द्या, पोलीस असू द्या, पत्रकार असू द्या, सफाई कामगार असू द्या, प्रशासकीय कर्मचारी असू द्या, हे सगळे रस्त्यावर उतरून त्या कोरोनाशी दोन हात करतायत आणि म्हणून त्यांची कपात करू नका, त्यांना कायम करा, त्यांना कंत्राटी म्हणू नका, त्यांच्या पगाराची कपात करू नका, हेच एक आवाहन करतो सरकारला. त्याचबरोबर त्यांच्या सुरक्षेची देखील हमी घ्या, त्यांचा विमा उतरवा, त्यांना किमान 50 लाख रुपयाचा विमा द्या, असं देखील आवाहन मी सरकारला माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना करत आहे. केवळ शुभेच्छा देऊ नका, केवळ टाळ्या आणि थाळ्या वाजू नका, तर खऱ्या अर्थानं कामगार शक्तीची जी परतफेड आहे ते करण्याचा जर प्रयत्न केला तरच हा कामगार दिनाच्या शुभेच्छा या अंतकरणापासून मनापासून असतील असंच मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ आयटर्क या कामगार संघटनेच्या शी संलग्न असलेला कामगार महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेचा सचिव आहे. बीड बायपास, स्काय सिटी और इंदिरा नगर गारखेड़ा इलाके में COVID-19 के मरीज पाए गए, जिसके बाद म्युनिसिपल अमले ने इन इलाकों में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया. नाजरीन, म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया का दावा है कि शहर भर में जंगी पैमाने पर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, मगर मामला इसके बरक्स है. घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ के इंचार्ज और चीफ फायर ऑफिसर दोनों ही हाइपोक्लोराइड मिक्सचर से लदी गाड़ियां सिर्फ उसी वक्त भिजवाते दिखाई दे रहे हैं जब कहीं कोई कैजुअल्टी हो जाए या फिर किसी इलाके के साकिनान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जाएं. आज भी इन अफसरान ने बीड़ बायपास, स्काई सिटी और इंदिरा नगर गाड़खेड़ा इलाके में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करवाया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज COVID-19 से मुतासरा जो मरीज पाए गए उनमें से बेशतर का ताल्लुक इन इलाकों से है. म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की हिदायत पर वार्ड ऑफिसर SL दौंड, सातारा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले, PS नरवड़े, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेम लता कराड़, डॉक्टर कावड़े की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइजर शेख अनवर, MPW गायकवाड़ और मलेरिया व फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने आज यहां पर जंगी पैमाने पर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया. औरंगाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के दो फर्ज शनास ऑफिसर्स गुज़िश्ता रोज रिटायर हो गए. हम MCN की जानिब से उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हैं. नाजरीन, 30 अप्रैल 2020 को म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो फर्ज शनास ऑफिसर नौकरी की मियाद मुकम्मल हो जाने पर रिटायर हुए हैं उनमें सिस्टम मैनेजर अब्दुल बारी पटेल और वार्ड ऑफिसर महावीर पाटनी शामिल हैं. इन दोनों ही अफसरान ने अपनी मुलाजिमत का आगाज एक क्लर्क की हैसियत से किया था और अपनी मेहनत और लगन के सबब वो मुख्तलिफ आला ओहदों तक पहुँच गए. दोनों ही अफसरान आजिजी और मिलनसारी के सबब हर खास व आम में मकबूल थे. गुज़िश्ता रोज ये अफसरान रिटायर हो गए. MCN की जानिब से हम दोनों ही को आइंदा के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हैं. फेस मास्क इस्तेमाल न करने वालों को सबक सिखाने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत अब तक 715 अफराद से फीकस 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूल किया गया. नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम का एक वाहिद इलाज एहतियात है, इसीलिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, मगर अवाम इस मर्ज की संगीनी को समझने के लिए तैयार नहीं है और बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और तो और वो फेस मास्क भी इस्तेमाल नहीं करते. लिहाजा ऐसे अफराद को सबक सिखाने की गरज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर 9 जोन के लिए एक इस तरह से 9 स्क्वाड बनाए गए हैं, जिसमें शामिल रिटायर्ड फौजी फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वालों से फीकस 500 रुपए जुर्माना वसूल कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज स्क्वाड में शामिल रिटायर्ड फौजी जवानों ने 15 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7,500 रुपए जुर्माना वसूल किया, जबकि अब तक जुमला 715 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे 3,57,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. कोरोना वायरस की वबा के सबब सादगी से मनाया गया आज यौम महाराष्ट्र. गार्जियन मिनिस्टर के हाथों खुसूसी परचम कुशाई, कोरोना को मात देने अवाम का साथ जरूरी, कहा वजीर सनत सुभाष देसाई ने. आज शाम तक जारी नहीं की घाटी इंतजामिया ने लैब रिपोर्ट. शहर में तेजी से फैल रहा है कोरोना, मगर घाटी इंतजामिया और म्युनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट में तालमेल का फुकदान. क्वारंटीन सेंटर में भी मरीजों के साथ सौतेला सुलूक बरतने की शिकायत.
जमात इस्लामी के इश्तराक से म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू किया रोशन गेट इलाके में फीवर क्लिनिक। अतराफ की बस्तियों के साकिनान से इस्तेफादा करने की अपील। और हरसूल तालाब में तैराकी के लिए उतरना पड़ा महंगा। पानी की गहराई का अंदाजा न होने के सबब दो बच्चे डूबकर हलाक, महलूक के रिश्तेदारों को सदमा। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक मैं गौस मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।